भारत और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच आज। 24 साल से कंगारू के खिलाफ अंडर 19 वर्ल्ड कप में नहीं आ रही है टीम इंडिया। क्या है पूरी खबर दोस्तों, जानने के लिए बने रहे वीडियो में लास्ट तक। वेस्ट इंडीज में खेला जा रहा अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। आज टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एंटीगा में के मैदान पर खेला जाएगा। इस मैच के लिए युवा जोश से भरी टीम इंडिया को जीत का फेवरेट माना जा रहा है। क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को एक तरफा मुकाबले में 5 विकेट हराया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराकर अंतिम चार में जगह पक्की की है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 119 रनों से मात दी थी। 24 साल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं आ रहा भारत। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही शानदार रहा है। दोनों टीमों के बीच कुल 7 मैच खेले गए हैं, जहां टीम इंडिया ने 5 और कंगारू टीम ने 2 मैच में जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टूर्नामेंट में भारत पिछले 24 सालों से एक भी मुकाबला नहीं आ रहा है। 1998 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। मौजूदा टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अभी तक कमाल का खेल दिखाया है। लीग स्टेज में टीम ने 3 मैच खेले और सभी में जीत दर्ज की है। उसके बाद क्वार्टर फाइनल मैच में भी टीम ने बांग्लादेश को 5 विकेट हराया। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट में अभी तक 4 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 जीते हैं और 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आपके अनुसार आज भारतीय टीम जीत पाएगी या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्रिकेट की ऐसी खबरों के लिए क्रिकेट आज तक को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।